हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कोक स्टूडियो पाकिस्तान जो है वो कोका कोला का प्रोजेक्ट है। कोका कोला क्या है? रिफ़्रेशमेंट है, खाना हज़म हो जाता है, अच्छी सुकून वाली डकार आ जाती है। ठीक है, टेस्ट एक है कोका कोला का जो कांस्टेंट है। कोकेन होती थी पहले, नहीं होती थी, टेस्ट कांस्टेंट है। तो कोका कोला जो है वो इंडिविजुअल्स, लोगों, इनकी भी नहीं है कंपनी, कस्टमर की ये कंपनी जो ख़रीदता है कोका कोला। बात ये है, तो रिचर्ड लिंकलेटर है जिसने कोका कोला को कांस्टेंट रखा है अपनी दुकान में। मैंने पाकिस्तान में किसी को नहीं देखा। तो आप लोग मेरी बात समझें, देखें, गरज बरस मैंने किया है पापोश में। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग गरज बरस इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। मेरे जो तारों में करंट है ना, वो मोनोटोनस नहीं है बिलाल अशारी के इस्लामाबाद की तरह। बात ये, तो मेरा जो शो है कोक स्टूडियो का, वो नौकरियां खाने के बारे में है लोगों की। जो लोग हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उनकी मैं नेगेटिव पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा ना प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, वो घटिया लोग हैं। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का है सब कुछ, ब्रांड मैनेजर भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ही है कोक स्टूडियो का, ग्रुप ब्रांड मैनेजर भी यही है, और GM भी यही है, रिसेप्शनिस्ट भी यही है। मैं आपको यकीन करें एक हफ्ते में बना के दे दूं ओरिजिनल कोक स्टूडियो। आप ड्राइंग रूम में आप कभी बैठें काम करने लगे ना, जो फिल्म एक हफ्ते में भी लिखी जा सकती है, मैंने लिख ली थी एक हफ्ते में। तो एक सीज़न हर साल मैं एक हफ्ते में कर सकता हूँ। गाने लिखने हैं ना, पहले तो पेपर पे आ गए, वो मैं बना लूँगा, एक महीने में बना लूँगा। तो ये बात है सारी, रिफ़्रेशमेंट वाली फील होनी चाहिए। ये आप लोग चोरियाँ करके वैसे ही नमक हरामी कर रहे हैं। तो कोक स्टूडियो का जो मेरा शो है वो ऑनेस्ट है, और मैं कस्टमर हूँ। थैंक यू सो मच।